तभी बोला मारी बिस्किट भैया, हाँ मार देता है भैया, एलडीएल बढ़ा रहा है, हार्ट अटैक लेके जाने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं कि जो मार्केट हम लोग बिस्किट खा रहे हैं, जो भी मेडिकल बिस्किट जो भी हम खा रहे हैं, तो खाने से क्या हो सकता है, लक्ष्य देखते हैं। ओके, हमने क्या किया, ये जो एक्स वाई जेड ब्रांड है इसको क्या कर दिया, हमने एक पानी में डाल दिया, दिख रहा सबको, हमने इसको एक पानी में ऐसे ही डाल दिया। दिस इज अगेन मैं बोलूं रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा नहीं कि ऐसे सही में होने वाला है। अब हम लोग क्या करेंगे, आईएमसी का कुकीज जो है ये नेचुरल बिस्किट है, शर्मा जी चलिए, एनीवेज इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर आप इसका देखें कुछ ये हमारे आईएमसी का बिस्किट है, ये क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया, घुल गया, ठीक बात है, ये पूरी तरह से घुल गया, देखो कहीं पे भी आपको हार्ड पार्टिकल से सब्सटेंस नहीं दिखेंगे, ये पूरी तरह से घुल गया है, ओब्वियसली ये हमारा आईएमसी का बिस्किट है। हमने आईएमसी के बिस्किट अगर आपने खाया होगा, आपने देखा होगा, हमने उसमें पहले ही मेंशन किया हुआ है फ्री फ्रॉम मैदा, देखा आपने लिखा हुआ उसमें फ्री फ्रॉम मैदा, ये प्रूफ कर रहे हैं हम कि हम फ्री फ्रॉम मैदा है, ये मैदा नहीं है हमारे बिस्किट में, हम बताना चाह रहे हैं। अब अगर आप मार्केट की जो भी ये है आप इसको देखोगे, थोड़ा देर हम लोग इसको रख देंगे ऐसे ही, इफ यू सी दिस ये ऐसे ही रहेगा, जो हार्ड सब्सटेंस है ना इसका बिस्किट का, ये ऐसा ही रहेगा, ये घुलेगा नहीं, ये मिक्स नहीं होगा, ये ऐसा कि ऐसा ही रहेगा। थोड़ी देर बाद देखो, जितनी देर बाद देखोगे और क्या होगा पता, ये गड्ढा बनता जाएगा, गांठ जैसा बन जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली कॉन्टेन क्या करता है, मैदा। मैदा आपने देखा है, मैदे की कोई चीज होती है या कुछ हम खाते हैं तो मैदे की चीजें कैसी होती है, हार्ड होती है। मैदा इज नॉट डाइजेस्टेबल, वो डाइजेस्ट नहीं होता है जल्दी, अगर आप मैदे की कोई भी चीज खाते हैं तो वो ऑब्वियसली डाइजेस्ट नहीं होता बॉडी में। तो दिस इज द डिफरेंस कि आप देख सकते हो, ये हमारा एमसी का है पूरा एकदम ये हो गया है और ये ऐसा ही रहेगा हार्ड के हार्ड। तो जो हम बोलते हैं कि हम मैदा फ्री है, ये प्रूफ है इसका, और मैदा डाइजेस्ट नहीं होता है, और मैदा इज नॉट गुड फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम। जितने भी लोगों की अगर पाचन क्रिया खराब है और वो जरा भी मैदा खाते हैं तो और इम्बेलेंस हो सकता है। तो एक बार तालियां जी कुकीज के लिए, जब हम लिखते हैं कि वी आर मैदा फ्री, दैट मीन्स वी आर, हम उसको प्रूफ करते हैं, चाहिए तो उसको ऐसा रख सकते हैं, थोड़ी देर बाद हम उसको फिर देखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट।